Raj, I got your doubt. This is your answer. Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app. Hi guys, how are you all? So guys, welcome back to the another class. Yes, hi Vivek, welcome to the class. Hi Bhavesh, hi Hardik, hi Pranay. Bring yourself on the chat guys. For those who are also there in the class but are not replying on the chat, you should bring yourself on the chat, because guys, main sirf aur sirf live isliye aa raha hu taki aapki chats dekh sakun, hum interact kar sake. Sirf boring si padhai nahi honi chahiye, right? So yes, that's awesome. Hi Vishal, hi Ditya, hi Hardik again. Yes, Nanika is there, Prince there, Prince Happy is there. Yes, obviously we're gonna start. थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, थोड़ी मस्ती और बातें कर लेते हैं, फिर start तो obviously करने ही वाले हैं, right? Hi Geetika, hi Lakshmi, hi yes Lucky, Shubham, that's amazing guys. Thank you for coming. आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम obviously करने वाले हैं class 12th boards की तैयारी फिर से. और आज का chapter क्या होने वाला है? आज का chapter है solutions. So कौन कौन मुझे बताएगा कि solution chapters किस किस का favorite है? So अगर आपका solution chapters favorite है तो have some hearts or something in the smileys, okay? So कुछ smileys डाल दो, कुछ hearts डाल दो, so that I can know that कितने बच्चों का favorite है. और अगर आपका favorite नहीं है, so have some bad smileys on the chat as well, okay? Yes. So Prashant is saying mera with some great smileys. Kumar is saying bombs, okay? That's good. So plenty of you. Shyam Mishra is saying giving me a bad smiley, that's okay. ठीक है, but काफी बात देख रहा हूँ मैं, काफी बच्चों का पॉजिटिव रिप्लाई है, राइट? टू पॉजिटिव, इट्स एक्चुअली टू पॉजिटिव. बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका नेगेटिव है. भावेश इज देयर एंड प्रशांत इज देयर, राइट? सो चलो, दैट्स अमेजिंग, दैट्स गुड. सो गाइज, फॉर दोज हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज लव मेहन. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ IIC बैंगलोर गाइज, एंड एट वेदांतु यू वॉच मी टीचिंग केमिस्ट्री. सो गाइज, मैं कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि आपको केमिस्ट्री आज जब भी आप मेरे से पढ़ने वाले हो हमेशा फन लगे, ठीक है? मैं कभी भी नहीं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से आप लोगों का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट खत्म हो जाए. सो डू रिमेंबर दैट. यस, थैंक यू सो मच प्रणय. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि दैट यू कैन एक्चुअली अवेल द माइक्रो कोर्सेज एट वेदांतु जस्ट फॉर ₹9 ईच, राइट? सो यू आर ऑलरेडी गोना गेट ऑल कोर्सेस. जो मनपसंद लगे, जो चैप्टर पढ़ना है, यू नो, यू थिंक कि आज मुझे उठा के ये चैप्टर पढ़ना है, ₹9, सिर्फ ₹9 गाइस. एक चॉकलेट का प्राइस है, चॉकलेट भी शायद इससे महंगी आती है, इट कम्स फॉर ₹10, है ना? सो यू हैव टू ओनली प्राइस, यू नो, हैव टू पे ओनली ₹9. यू हैव अ चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग आउट ऑफ 2000 प्लस यू नो माइक्रो कोर्सेस, राइट? एंड यू हैव टू गो टू द लिंक एंड यू हैव टू जस्ट चूज व्हाटएवर यू वांट. एंड बस पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई करते रहना है, राइट? सो गाइज, यू हैव, वी गो बिगिन द क्लास. कितने बच्चे मेरे लिए लाइक्स डाल सकते हैं? आई जस्ट वॉन्ट टू हैव दैट वन. येस, आई कैन सी प्लेंटी ऑफ यू देयर. आई एम राइट नाउ गोना स्टार्ट द क्लास. हैव सम लाइक्स ओवर देयर, ओके? चलो, अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं विद योर फर्स्ट क्वेश्चन. सो आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ MCQs टुडे. आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत सारे MCQs. क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बगल में खड़ा हो जाऊंगा. यू हैव टू टेल मी अ सोल्यूशन ऑफ एसीटोन, अ सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल. What kind of option is actually right? But why teaching is asking Ashok Kumar? Because I actually love teaching. That too, you know, students of from the class 11th and 12th. Chemistry was my favorite subject at that time. So I just love that. So come on guys, plenty of you are giving me B's. Now I am looking at some A's. So मुझे लड़ाई चाहिए. आपको पता है ना, मुझे लड़ाई करते हुए चाहिए बच्चे ABCD के बीच में. सो गो ऑन, ब्रिंग योर सेल्फ. अब मुझे कुछ दिख रहा है, अरिहन जैन ने लिखा है सी, बट यस, आई कैन सी प्लेंटी ऑफ यू आर गिविंग मी बी, बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, एब्सोल्युटली गाइस, इट्स द बी. ओवर बी टॉक्स अबाउट शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. सो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या क्या आएगा? क्या उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा सोल्यूशन का या डिक्रीज होगा मिक्सचर का, अगर हम बात करें तो? जल्दी से बताना है विथ सम स्माइलीज ताकि मेरी अटेंशन आपके ऊपर जाए. यस, कम ऑन, फटाफट. सो बी होगा, क्यों? पॉजिटिव डेविएशन है, तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो उसका वॉल्यूम मिक्सचर का जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यस, दैट्स अमेजिंग, इंक्रीज ही होना चाहिए. यस, दैट्स गुड. चलो, फॉर दोज हु आर राइटिंग डिक्रीज, नहीं नहीं, डिक्रीज नहीं होगा, यू शुड रिमेंबर, इंक्रीज ही होगा. यस, सो द सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन एंड इथेनॉल का जब हमने साथ में डाला, मिक्सचर बनाया, शोज अ पॉजिटिव डेविएशन गाइस फ्रॉम रॉल्स लॉ. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द मिसिबिलिटी of these two liquids is what? With a difference of polarity. So polarity and your, you know, length of your molecule is actually different. This is the reason they are actually going to show you
a poor interaction between their molecules and positive deviation is gonna occur. Chalo. Now let's get to the next one. Thank you so much, Aditya. So the volume strength of 1.5 normality of H2O2, that is hydrogen peroxide, is कौन बताएगा? You have to seriously take some time. इसमें थोड़ी सी calculation लगेगी, but one of these such kind of questions यार actually students के लिए काफी tough होते हैं. समझ में नहीं आता अगर volume strength पे ऐसा कुछ question आता है तो exactly कैसे solve करना है, right? So मैं बताऊंगा आपको क्या होने वाला है. गौरी जी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच दरुदकार. यस, सो कौन बताएगा मुझे कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही आंसर है व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2. सो यस, सी. काफी बच्चे मुझे सी कह रहे हैं. ये सॉल्व किया है या बस तुक्का? तुक्के नहीं मारने, न्यूमेरिकल्स में तो तुक्के बिल्कुल नहीं मारने गाइस, ठीक है? थैंक यू सो मच उज्जवल. फटाफट बताना है कौन सा है, कम ऑन. Okay, so guys, the correct answer to this question is absolutely and absolutely, it's actually C. So guys, देखते हैं कैसे. Confused नहीं होना, इस question को कैसे approach करना है ये मैं आपको बताऊंगा अब, ठीक है? Yeah. So guys, start हम करेंगे, ये तो हमारा given है, इसको भूल जाओ. Normality given है, उसको भूल जाओ. हम start करेंगे peroxide से. तो equivalent weight of peroxide अगर हमने check करना है, इक्वलेंट वेट क्या है? पहली बात इसका मोलर मास बताओ मुझे. कौन बताएगा मुझे मोलर मास? थैंक यू सो मच उज्जवल. यस ममता, यू आर नॉट लेट, डोंट वरी. थैंक यू सो मच. अच्छा, H2O2 का मॉलिकुलर मास कौन कौन बताएगा? इट इज एक्चुअली गोना बी 34, राइट? वी हैव 32 बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एंड वी हैव 2 बिकॉज ऑफ योर हाइड्रोजन. यस, सो दैट इज गोना बी 34. एज यू कैन सी, बोथ ऑफ द हाइड्रोजन आर आयनाइजेबल. As both the hydrogens are ionizable, इसलिए आपका equivalent weight आ रहा है 17. We are actually dividing your 34. Total क्या है आपके पास? Total है आपके पास 34, है ना? So अगर आपके पास 34 है, so क्या होगा हमारा? इसको हमने divide by 2 करना है, उसके बाद हमारा आंसर आएगा 17. तो इधर तक सबको क्लियर है? 17 grams per mole is your equivalent weight for your H2O2, that is hydrogen peroxide. अब क्या करना है हमारे को? So we have to actually look for the strength. स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ को अगर आपने कैलकुलेट करना है, यू हैव टू टेक द नॉर्मैलिटी इनटू कंसिडरेशन. यहां पे नॉर्मैलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्विवेलेंट वेट को. समझ में आया, राइट? सो इक्विवेलेंट वेट को जब हमने नॉर्मैलिटी से कैलकुलेट किया, वी आर एक्चुअली गेटिंग 17 इंटू 1.5, दैट कम्स आउट टू बी 25.5. ये क्या है 25.5 की यूनिट क्या होगी? यहां पे कौन बताएगा मुझे व्हाट इज एक्चुअली गोना बी द यूनिट ओवर हियर? फटाफट कौन बताएगा? यस, Y divided by 2 just because, thank you so much Vivek, just because you have two ionizable hydrogens when it comes to hydrogen peroxide. ठीक है? Yes. चलो अब फटाफट बताओ. Yes. So guys, over here we are actually going to have in grams. अब यहां पे देखो, अब हमारे को equation देखनी है, what is exactly happening when hydrogen peroxide is actually decomposing into what? So over here we have 2 moles of hydrogen peroxide. It decomposes into H2O2. But how many? We have 2 molecules, right? 2 moles. And then we only get 1 mole of O2 gas. ठीक है? अब हम देख लेते हैं इसको, रिएक्शन को और ब्रेक करते हैं. अब हमारे पास अगर ये मैं 2 मोल की बात कर रहा हूं, इनका वेट कितना होगा? वी नो 1 मोल ऑफ H2O2 इज 34, राइट? सो वी हैव 1 मोल. यस, दैट्स ट्रू. ओके, अब ध्यान से सुनो, वी हैव 1 मोल इज व्हाट? 1 मोल इज हैविंग 34 ग्राम्स, राइट? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 2 क्या है, हमारे पास यहां पे क्या है, 2 मोल्स है. सो यहां पे आने वाला है आपका 68 ग्राम्स. समझ आया यहां तक? 68 ग्राम्स इज एक्चुअली गिविंग यू 1 मोल ऑफ O2. 1 मोल ऑफ O2 की वॉल्यूम कितनी होती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर? कौन बताएगा मुझे कितनी होती है? 22.4. सो आपका जो यहां पे 68 ग्राम्स है, दैट इज गिविंग यू 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन. ये 6.8 नहीं है, ये 68 है, ठीक है? इसको हटा देते हैं. समझ में आया? तो यहां पे जब आपका 22.4 लीटर्स है, नाउ वी हैव टू लुक फॉर 25.5 ग्राम्स कितना करेगा. सो यू हैव 25.5 ग्राम्स ऑफ H2O2. ये कितना प्रोड्यूस करेगा? यूनिटरी मेथड सबको आता है आई एम श्योर. हमने क्या करना है? 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 25.5 डिवाइडेड बाय 68. योर आंसर इज गोना बी व्हाट? 8.4 लीटर्स ऑफ O2. समझ में आया? नहीं, इंक्रीज नहीं करने वाला स्पीड गाइस. इंक्रीज करके कहां पहुंचाओगे? आप भी यहां बैठे हो पढ़ने के लिए, मैं भगाऊंगा और आप लोगों की चैट्स नहीं देख पाऊंगा.
तो फिर कैसे होगा, राइट? हैव सम पेशेंस, पक्का सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा एंड आपके डाउट्स भी. यस, सो चलो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. आई एम श्योर ये सबको समझ में आ गया है. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन गाइज. यस, या देखो अभी भी है, देर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक पीयूष मेहता इज सेइंग सो प्लीज वंस मोर. सो गाइज, मैं यू नो व्हाट, यू शुड नॉट रिस्पेक्ट मी ओवर हियर, यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर फॉर नॉट गोइंग टू फास्ट, राइट? सो वील डू इट फॉर एवरीबडी, बट येस यू हैव टू वॉच द रीप्ले फॉर दोज हु आर ज्वाइनिंग इट राइट नाउ. अभी आपने दो क्वेश्चन मिस किया, वी आर एक्चुअली इनटू द थर्ड क्वेश्चन. द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोना हैव द एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. यस, ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी यही है, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे फॉर्मूले में वॉल्यूम का इंटरफेरेंस नहीं है. सो दैट इज गोना बी मोलैलिटी, दैट इज द बी ऑप्शन गाइज. अब इसको कैसे करना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. दैट इज मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज. सो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ओवर हियर वी टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, इसको लिख रहा हूं मैं एन बी, वेयर बी इज योर सॉल्यूट, ठीक है, एन बी अपॉन मोलर अपॉन योर गिवन वेट और द मास ऑफ योर सॉल्वेंट इन केजीज. केजीज के लिए अगर आपको ऑब्वियसली ग्राम में दे रखा होगा, दिस इज द रीजन वी आर एक्चुअली यूजिंग 1000, अदरवाइज 1000 को यूज करने की कोई मतलब नहीं है अगर आपको वेट केजीज में ही दे रखा है. समझ में आया, दैट्स गुड. नाउ वी आर एक्चुअली गोना गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सोल्यूशन द फॉलोइंग्स विच ऑफ देम आर एक्चुअली गोना बी इन इक्विलिब्रियम. द ऑप्शंस आर ए बी सी डी, फटाफट से बताना है क्या होगा, जल्दी से बताओ. कम ऑन गाइस, फटाफट. यस, ओवर हियर वी गोना टॉक अबाउट एक्चुअली बहुत सारे बच्चे, अभी तक मुझे सिर्फ किसने आंसर सही दिया है मैं नहीं बताने वाला, थोड़ी सी लड़ाई कर लो, बहुत मजा आ रहा है, दिखाना है एक दूसरे को कि किसको ज्यादा अच्छे से आता है, राइट? सभी आंसर दे देंगे तभी मैं आगे बढ़ने वाला हूं. एंड यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट. पंगा बताए यहां पे क्या है, यहां पे कुछ समझना है बहुत आसानी से गाइस. यहां पे पूछ क्या रहा है, अब मुझे आप एक बार बताओ, गिव मी अ सेकंड. या जब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस. अब 0 डिग्री सेल्सियस में क्या मैं कह सकता हूं वाटर एज लिक्विड एंड वाटर एज आइस, बोथ ऑफ देम आर एट यू नो इक्विलिब्रियम, राइट? सो इसीलिए अब यहां पे देखो सॉल्वेंट क्या है, यहां पे जस्ट लाइक वाटर, तो आपको इसमें कुछ नहीं है. ये किसी भी फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, सिर्फ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की नहीं, किसी भी फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, वहां पे लिक्विड एंड सॉलिड जो सॉल्वेंट होता है वो तो इक्विलिब्रियम में ही होता है, राइट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट ओवर हियर. सो इसीलिए गाइस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर एक्चुअली इनटू योर इक्विलिब्रियम. समझ में आया किसको? सो यू हैव टू प्रोवाइड मी सम स्माइलीज. थैंक यू सो मच विष्णु ओवर देयर, थैंक यू सो मच, लव यू 5000 टाइम्स, राइट? चलो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. सो इन कंपैरिजन टू अ 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड सेम अमाउंट ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन फॉर योर मैग्नीशियम क्लोराइड, व्हाट डू यू थिंक विच इज गोना हैव मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड व्हाट एट व्हाट टाइम्स. सो कितने टाइम्स में होगा, क्या कंपैरिजन रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगा, व्हाट डू यू थिंक? ओके, ओवर हियर गाइस, इज इट गोना बी सेम, इज इट गोना बी ट्वाइस, इज इट गोना बी थ्राइस और इज इट गोना बी सिक्स टाइम? बहुत बच्चे लिख रहे हैं गुरताज, बहुत नहीं, गुरताज नहीं, 5-6 बार लिख दिया डी. यस, बाकी लिख रहे हैं बी, जो वो भी गलत लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों ट्वाइस आ रहा है आंसर, बट यस ओवर हियर गाइस द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली सी. सो कलरलेस चमेलियन ने सी आंसर लिखा है, मैं उनको देख पाया. या सो गाइस अब देखना है हमारे को कैसे, पर सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है? सॉल्यूशन तो हर जगह लिखे. अब यहां देखो, अगर मैं ग्लूकोज को पानी में डालूं तो ये क्या डिकम्पोज या डिसोसिएट होता है? अगर ग्लूकोज को मैं मिला देता हूं पानी के अंदर, आप लोगों ने चैट पे मुझे बताना है क्या वो डिसोसिएट होता है और इज इट स्टेज एज द सेम मॉलिक्यूल. डिसोसिएट होता है कि नहीं होता? नहीं होता. तो अगर मैंने एक मॉलिक्यूल डाला तो वो एक मॉलिक्यूल ही रहेगा. और आपको हमेशा पता होना चाहिए जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन टू द सोल्यूशन, राइट? टॉप लेयर पे अगर हम सर्फेस लेयर पे बात करें कि कितने पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, उस पर सब डिपेंड करता है. यहां पे अगर मैंने एक मॉलिक्यूल डाला तो वो एक ही है, पर अगर मैंने यहां पे एक मॉलिक्यूल डाला
तो कितना डिसोसिएट होगा, तो कितना डिसोसिएट होगा। यहां पे अगर मैं 100% डिसोसिएशन की बात करूं, 100% सॉल्युबिलिटी की बात करूं, यहां पे ये डिसोसिएट हो जाएंगे Mg 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। मुझे दिख रहे हैं तीन आयंस, मैग्नीशियम का एक एंड क्लोरीन के दो। सो वेंटॉफ फैक्टर गाइस इन दिस केस इज गोना बी 3। और वेंटॉफ फैक्टर फॉर दिस केस आई फॉर योर ग्लूकोज इज एक्चुअली गोना बी 1। सो दिस इज द रीजन गाइस इट इज गोना बी एक्चुअली थ्राइस, द डिफरेंस इज एक्चुअली गोना बी थ्राइस। सो दिस इज हाउ इट इज सॉल्यूशन में आपको देखना है वेंटॉफ फैक्टर आता है। वी हैव द वेंटॉफ फैक्टर इन द फॉर्मूला, यस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हैज अ फॉर्मूला दैट इज वेंटॉफ फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू केएफ, यस। सो ओवर हियर अगर आपका आई जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड के टाइम पे थ्राइस है, ऑब्वियसली योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज एक्चुअली गोना बी थ्राइस, दैट्स गुड। चलो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन ओवर हियर। आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट्स आर, ideal solution is formed when its components are what? thanks Vivek. Yes. So over here guys, what do you think? Over here. Have no volume change on mixing, have no enthalpy change on mixing, have both the observed characteristics and have high solubility. What do you think? Yes. बाप रे बाप रे, जो स्पीड है ना मुझे हमेशा ऐसे पूरे चैट बॉक्स में ऐसी चाहिए। प्लेंटी ऑफ यू डिबेटिंग अबाउट सी बी और बहुत बच्चे कम हैं जो दोज आर टॉकिंग अबाउट ए। यस, एक्चुअली द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। जो बी या ए भी लिख रहे हैं वो सही है पार्शियली, बट आपको जानना चाहिए कि गाइज डेल्टा वी एंड डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ये मिक्सिंग मतलब है कि जब हमने दोनों सॉल्यूशन को मतलब दोनों सॉल्वेंट्स को या फिर किसी भी दोनों कॉम्पोनेंट्स को मिक्स किया है तो उनके बीच जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा उसमें वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं होगा, राइट? सो रॉल्स लॉ इज एक्चुअली गोना बी प्रेजेंट, ठीक है? एंड डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग दैट मींस ना तो हीट बाहर आ रही है ना अंदर आ रही है, नो एंडोथर्मिक रिएक्शन नो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज हैपनिंग ओवर हियर। सो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज गोना बी जीरो, राइट? एंड डेल्टा टी ऑफ मिक्सिंग इज गोना बी जीरो। कौन कौन बच्चे मानते हैं ये डेल्टा टी जो है एक्चुअल में टाइम है? किन किन बच्चों को लगता है ये डेल्टा टी जो है ये टाइम है? मुझे चैट में चाहिए। यस, कितने बच्चे कहेंगे ये डेल्टा टी जो है और दिस इज चेंज ऑफ टाइम? नो, राइट? अच्छा ठीक है। सो गाइस ओवर हियर इट्स एक्चुअली टेम्परेचर दैट यू शुड रिमेंबर, दैट्स गुड, टेम्परेचर है, ठीक है? टाइम लिख दिया देन यू आर अ लल्लू पंजू। ओके सो आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन और नॉट सोल्यूशन और ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल membrane is from which of these options? What do you think is going to be the right answer? Okay, by the way, यहां पे कुछ गड़बड़ है बट देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं एक्चुअल में, या कितने बच्चे ऐसे ही रैंडमली कुछ आंसर कर देते हैं। Okay, काफी बच्चे लिख रहे हैं ए, ठीक है। यहां पे कुछ मिसप्रिंट है, मैं चाहता हूं आप लोग एरर फाइंड करो, आई वॉन्ट यू टू फाइंड द एरर, कम ऑन। मैं हट जाता हूं, दिस इज नॉट द कंप्लीट, या लड़ते हुए नहीं दिख रहे, कब बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं लड़ते हुए। ओके सो एक्चुअली इट्स गोना बी फ्रॉम लोअर टू हायर, राइट? सो गाइस डी में एरर है, यू हैव टू गेट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ओनली, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन ओनली। यस, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट होगी, यस दैट्स राइट। काफी बच्चे बिल्कुल एकदम तेज दिमाग के साथ बैठे हैं, यहां पे होना चाहिए था, इन दोनों ऑप्शंस में से किसी को चेंज करना है। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली लोअर, यस दैट्स गुड। सो यहां पे गाइज यू शुड हैव अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ओनली। देख लेते हैं कैसे होता है। लेट्स से आई हैव अ कंटेनर, ठीक है, यहां पे मैंने रख दिया है लेवल, यहां पे गाइज मैंने बीच में डाला है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां पे है प्योर वाटर, यहां पे है सॉल्टी वाटर, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, अब मुझे बताओ ए से बी या बी से ए पानी कहां जाएगा? यहां पे वी हैव सॉल्ट्स, यहां पे वी हैव प्योर वाटर, सॉल्ट कहां, पानी कहां से कहां जा रहा है?
from water to salty water, right? It is gonna go from here to here. So यहाँ पे guys you will be having an increase in the level और यहाँ पे आपका decrease आएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है. But yes, here the concentration is less or the concentration is nothing, right? Because it's pure water. यहाँ पे concentration थोड़ी सी भी higher हो सकती है, but यहाँ पे it is gonna be the lower concentration of what? Probably no concentration of salt, but even that is counted as a lower concentration, right? So that is how you have to remember. But मुझे बहुत अच्छा लगा जिन बच्चों ने actual में error find किया. That's amazing. Yes. Next chapter, that's a good question. Arushi is asking what is going to be the next chapter. कौन से time पे, कौन से दिन. You have to subscribe this channel, guys, because मैं obviously live तो आ ही रहा हूँ. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया एक्चुअली दे गोना मिस माय क्लासेस, राइट? सो यू हैव टू सब्सक्राइब. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यू हैव 0.1 मोलैरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन आएगा वो किस में आएगा, अगर आएगा भी तो कौन क्यों आएगा, यू हैव टू टेल मी. कौन मुझे कंप्लीट आंसर दे सकता है, एमसीक्यू छोड़ दो, कौन मुझे बता सकता है विच इज गोना बी द राइट आंसर एंड व्हाई. चलो फटाफट. यस, ओके, किसने लिख दिया बी और डी, ऐसे थोड़ी ना होता है. ओके, डी नहीं होगा गाइस, यू शुड रिमेंबर. अच्छा बात कर लेते हैं, ये C12H22O11 क्या है, क्या है ये, जल्दी से. दिस इज अ शुगर ओवर हियर, अगर इसको मैं पानी में डालूंगा क्या डिसोसिएशन होगा? दो इट कैन डिसॉल्व बट डिसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल. हम वेंट ऑफ फैक्टर लिख लेते हैं इन सबके. अगर कंप्लीट डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, योर आई ओवर हियर इज गोना बी जीरो कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी में. हेयर वेंट ऑफ फैक्टर इज गोना बी टू, राइट? के प्लस एंड आई माइनस, यहां पे क्या आएगा, अगेन आई इज एक्चुअली गोना बी वन, राइट? एंड व्हाट इज गोना बी हैपनिंग ओवर हियर, यहां पे क्या होगा गाइज, यहां पर कम ऑन फटाफट फटाफट, यहां पे गाइज वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा आपका दो और तीन पांच, राइट? It is gonna be 5 times than anyone in let's talk about sugars, right? So yes, so A is the right answer because we are actually gonna talk about the Van't Hoff factor, that is gonna be 5. In the case of Ki guys, you're gonna have 2 ions. In the case of such organic compounds, we are gonna have the Van't Hoff factor, that is gonna be 1. So the lowest freezing point is actually gonna be for the first case, right? So you should remember that, right? Chalo, afatafat chalte hain dusre question pe. Considering the formation and breaking. Consider formation, breaking and strength of hydrogen bond. Predict which of the following mixtures will show you the positive deviation. इनमें से कौन सा positive deviation है? Yes Pranay, that's right. अब बताओ जल्दी फटाफट. अंबुज राय, next chapter, कौन से दिन, कौन से time? मैं नहीं बताने वाला. Okay, so subscribe the channel, you'll get to know. Right? Press the bell icon guys. आपको notification जरूर आने वाली है मेरी तरफ से. Right? So that's good. What do you think guys? Thank you so much. Bhatt, Shoheb. Yes. Methanol and acetone, chloroform and acetone, nitric acid and water, phenol and aniline. Kaun sa hai? Aur kyun hai? Who's gonna tell me kyun hai? Yes, and the correct answer to this question is methanol and acetone. Right? Kyunki, achha mujhe batao, yahan pe kya kya dikkat aayegi? Yahan pe you have 1 carbon. Yahan pe hai aapke paas 2 carbon. Theek hai? Yahan pe aapke paas polarity kam missing hai, missing hai. Yahan pe phir bhi hai, but utni nahi. Right? So guys, this is the right answer. Why? Why do you think so? यहाँ पे you have the length change, you have the differences in polarity as well. वहीं आएगी आपकी positive deviation. वहीं आएगा. They hate each other. Weak interactions of AB, right? That's right. चलो. Obviously the answer is absolutely there for you. But मुझे लगता है कि मैंने आपको सच में सब कुछ पढ़ा दिया है इस बारे में. अभी question बचे हैं. अभी question बचे हैं. But yes, you can have the screenshot. जब screenshot ले लो, give me a done. Write, you know, write done in the chat. गाइज हेलो, फटाफट डन 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 फटाफट लिख दो अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो. हो गया? यस, दैट्स गुड. चलो बढ़िया. सो अब बढ़ते हैं आगे. थैंक यू सो मच विनीता. ओके, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यू हैव टू सी फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस डज नॉट डज रिप्रेजेंट द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर. दैट इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइंड. कौन बताएगा मुझे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? जल्दी से बताओ. थैंक यू सो मच कोडिंग टेक्निक. टॉपी टॉपी मेरे को लगा टॉपिक कह रहा है. सी मिस हो गया. जल्दी से कौन सा आंसर है इसमें?
क्रायोस्कोपिक क्या होता है, राइट? यही तो इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन के बारे में, यही तो इंटरेस्टिंग है. बट कोई बात नहीं, मैं बता, अभी तुक्का मार लो. चलो आज के इस क्वेश्चन में खेलते हैं तुक्का तुक्का. चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा. सो अब नाउ आई एम हैविंग सम आंसर्स, डी सी डी बी. ओके, के एफ. एब्सोल्युटली वी हैव टू लुक फॉर द के एफ. के एफ कौन बता सकता है हमारे को वाटर के बारे में? दैट इज एक्चुअली गोना बी द डी केस. यहां पे डी केस क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में आंसर पे चलते हैं. डी केस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट 9 grams ऑफ ग्लूकोज. पहले ही पूछ लेता हूं, ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास कितना है? ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास कितना है? हु इज गोना टेल मी दैट? के एफ होगा ना, क्योंकि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, के भी नहीं होगा. ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास कितना है? राइट, अभी ये चार्ट में लिखो फटाफट. यस, और यहां पे वी हैव दी सॉल्यूशन ऑफ 59. 9 ग्राम ग्लूकोज है, 9 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट कितना ग्राम हुआ? सॉल्वेंट लिख रहा हूं मैं, सॉल्वेंट ठीक है, हुआ आपका 50 grams. दैट इज वॉटर. यहां पे 9 ग्राम इज योर सॉल्यूट, क्योंकि टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन हुआ है 59 grams, राइट? वी टॉकिंग अबाउट वॉटर, तो ये 50 grams क्या हुआ? दैट इज वॉटर. ठीक है, इतना समझ में आ गया. वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज. ग्लूकोज का लिखा था बच्चों ने, यस इट्स 180. अब देखो कैसे करना. सो गाइज अगेन समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे वी वॉन्ट के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ. ठीक है, अगर हमारे को क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट निकालना है, वी नीड के एफ इज इक्वल टू, कब होता है? वेन योर मोलैरिटी इज गोना बी यूनिटी. ठीक है, अब हमारे को मोलैरिटी 1 चाहिए. सो इफ यू आर गोना हैव 9 grams of ग्लूकोज, इसके मोल्स कितने निकल रहे हैं? 9/180. अब मोल्स आ गए आपके पास, 180 इज द मोलर मास, गिवन मास इज 9 grams, राइट? 59 - 9 क्यों किया? बिकॉज वी वॉन्टेड 50. दैट इज द मास ऑफ योर वॉटर इन केजीज. केजीज में डालने के लिए वी हैव द 1000 अपॉन द टॉप. समझ में आया ये सबको? जब आप ये निकालोगे, योर एक्चुअली मोलैरिटी छोटा भाई, छोटा एम, राइट? एम इज गोना बी इक्वल्स टू 1. जब आपका एम इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटी हो जाएगा. दिस इज द केस वेयर यू गोना हैव योर के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ. अब समझ में आया सबको? समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर से देख लो फटाफट से. 9/ मैं इधर लिख देता हूं, आई होप इट वर्क्स. या सो 9/ कितना है हमारे पास? 180. ये क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इनटू व्हाट आर वी गोना डू? वी गोना पुट 1000. ये क्या है 1000? क्यों है? क्योंकि हम ग्राम्स को कर रहे हैं कन्वर्ट, किसमें? केजीज में, राइट? और हमारे पास ग्राम्स में क्या है? ग्राम्स में हमारे पास वाटर 50 grams. जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? यू गोना हैव द आंसर, दैट इज गोना बी 1, गाइस. इट्स गोना बी 1, इट्स गोना बी यूनिटी. एंड इन दैट केस योर के एफ इज एक्चुअली गोना बी डेल्टा टी एफ, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, समझ में आया? आई वॉन्ट स्माइलीज इन द चैट. बच्चों ने तो मूड ही ऑफ कर लिया. क्वेश्चन एक टफ के आया, बच्चों परेशान हो गए बच्चे. यस, सो सारा यू आर एक्चुअली टू लेट. सब्सक्राइब द चैनल दो, सो दैट यू कैन नो मैं कब ऑनलाइन आ रहा हूँ. यू शुडंट मिस माई क्लासेस. अगर आपको एक्चुअल में यू वॉन्ट टू हैव सम क्वालिटी टीचिंग ओवर हियर. यस, सो गाइज नाउ वी आर एक्चुअली गोना टॉक अबाउट सम फ्यू रिजल्ट्स ऑफ द वेदांतु एट 2020 जेई मेंस. गाइज वी हैव 117 प्लस स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली स्कोर्ड 99% प्लस परसेंटाइल इन जेई मेंस. जनवरी जेई मेन की बात हो रही है. 592 स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली स्कोर्ड बिटवीन 90 to 97 एंड 490 स्टूडेंट्स हैव जस्ट स्कोर्ड बिलो 90%. What are your percentiles? You have to tell me. Yes, and over here, guys, we are actually going to talk about the CBSE results as well. Over here, guys, 42% of the students have actually scored more than 90%. Same is with your class 10th exam, right? So 42% of the students who were there in class 12th and 10th with us at Vedantu have actually scored more than 90%. Isn't 90% a great percentage for those who are actually very less confident about their studies? Don't you think so? Guys, in the case of ICSE 10th, we have incredible 55% of the students who has crossed 90%, overall 90% marks in their board exams, right? And when we talk about KVPY scholarships, 7 fellowships from 11th and 12th, and you have 25% selections in PRMO. Yes, guys, chalo, fatafat. So what is your AIR rank? So the last exam that I gave, my AIR rank was 361. Yeah, it was 361. So that is what it is. And yes, you have to like
share your, you should be liking the video so that I can see that yes, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वो एक्चुअल में आपको अच्छा लग रहा है और ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है तो मुझे बार बार आना है. एंड यस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसमें आपका घाटा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने पे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपको वीडियो देखनी है, राइट. एंड शेयर आपने अपने दोस्तों के लिए करना है, राइट. अगर आपको अच्छा लग रहा है कि यू नो ये वीडियो आपके काम आएगी, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. यस, सो टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइज एंड कीप रॉकिंग. हम फिर से मिलने वाले हैं, कब पता नहीं. सब्सक्राइब, यस, पता चल जाएगा आपको. चलो टिल देन टेक केयर, टाटा.